सलामी जिसने दरे बाग पंजतने देखा, उसी ने रोज़ रिजवान का चमार सहारत की दर गई है माँ मिली न लाश पिसर की तमाम रंदी खा जवान बेटे की बैयत ना तुमने पे छान ये किसका नर बसा है ये किसका तार दे सला दे जिसने दा है मालिक से भरे घर के उजड़ जाने को पूछो घर वालों से ये तपरे का पड़ जाने को पूछो माँ बाप से किस्मत के बिगड़ जाने को पूछो छबीर से बड़के बिगड़ने को अल्लाह ना दिखलाए अलम नूरे नजरे का बजा बह जाता आंखों दलो जिससे वाके अकबर को लगा जख्म जिगरे का सीने में रुका आके दम रश्के कमरे का गिरते हुए घोड़े से ख्याल आया पिदर का चिल्लाए के बेकस की मुसाफिर की कबर ली जिए बाबा अपने अलिए पर कीजिए बाबा अपने अलिए पर की मदद कीजिए बाबा बेटे की सदा सुने की ये खूब कलेजे में उठी बैठ गए शाह मालूम आजा चली आह के हमरा दिल था दिल था क्या तुझका रंग उड़ गया तागे चुआ पाए कर दे पड़ी थी तुरा क्या राख जो समझे तो बता बता दो अली अकबर किधर आए ढूंढे तुम्हें अब बहर में आंसुए बराए बेताब दिल कल्ब में
लश्कर की धराए तुम डे सच मिला माँ बाप के जीने का मजा ले गए बेटा ओहदा ज्योति मा दिलाशे पिसरे परे झुकते ही नजर पहले पड़ी दखमे जिगरे परे एक तीर लगा खलबे सहे जिन्नो बशर पार्थिन सीने पकड़ बिहार ऊपर के दम शेर को भरते घूमे देखा बाबा ने जवा चिल्लाए शहदी अली अकबर पिदरा उठो मेरे प्यारे मेरे दिल भर पिदर आया तुम ढूंढते थे आए मही अनवर पिदर आया नाचा नाशा पिदर कुछ दिल की कहो बात करो कुछ मुँह से तो बोलो अली अकबर अली के भरे आँखों को तो खोलो अली के भरे रिक्सत भी तो होलो अली अकबर अली अकबर बाप करो दूल्हा भी आराम से सोते नहीं बेटा हम रोते हम रोते हम रोते नब खो बैठी अठारह बरस के पाले को रोते हैं खड़े सब आलन रोते हैं खड़े सब अठारह बरस के पाले अरमान न निकला बारू का है लाश पे थाम के अकबर के मादार सर्वार से ये कहती है रोकर खोआ ऐ बहार
नाजों से मुरादों से पाला शादी का जमाना जब आया किस्मत का करो मैं केस गिला खिदमत का कुछ भी न मिला सेरा नब बांध सकी सेरा नब बांध सकी अटारा बरस के पाले को परदे आप इधर की मौत है मरना जवान बेटे का सफर जान से करना जवान बेटे का गजब खून में भरना जवान बेटे का सीता मैं जी से सीता मैं जी से गुजरना शबाब था शाये मचरे कैन से चूटे मई बॉबी डोगे खुदा पिदर को रा दिखलाए मर गए रात जा कलेजा जख्मियों जब दिल को फिर करार का उधर तो सीने अकबर से गुजरी नौ के सिना लो इधर वत लो इधर वत तड़प के जानी बे घर धूल गाह की शैली जमीन जमीन पुकारते हुए दौड़े मेरे शहीद पिसार मेरे जवा मेरे मैरो मेरे शहीद पिसार मेरे हसी मेरे इधर पे आज नहीं वारदात है बेटा खबर नहीं खबर नहीं मुझे किधर पैरन अली अकबर मेरे कलीग मेरे कम सोकन अली अकबर जवाना मर गए गरीब उल वतन अली अकबर उजाड़ कर गए पुकारते थे के शेर पीर पुकार बुझे नहीं बताने के लाचा है ना बकार मुझे तेरे फिराक में
है जिस्त ना गवार मुझे सदा सुना दे सदा सुना दे गले लगा लो के सीना हमारा जलता है कलेजा मुझे कलेजा मुझे कोई सैयद अब रारते हैं हथेली पर सर हथेली पर सर खल्क के सरदार आते हमारे ख्वाब में जब सैयद अबरारते हैं मुबारकबाद ने तले बेदारते मुबारकबाद ने तले बेदारते आते जिगर में दर्द लप सामान ख्याल शाह वाला में दिले मुजतर ये कहता है उठे दर्द जिगर तज़ीम को सरकार उठे दर्द जिगर तज़ीम को सरकार सवारी है अकबर की कुदरत का नमूना है शबाहत कह रही है अहमद मुख्तार के शबाहत कह रही है अहमद मुख्तार आते के सीना अकबर जीशाए माँ की खिदमत में कोई आन के मेहमान आए घर में लाशें को लिए शाह शहीदाए नाहगर खाक सदा खत्म हुए यूं सुफे सानी बानो मिल गई खाक में अकबर की जवानी बानो मिल गई खाक में अकबर की जवानी बानो देख ले आखरी दीदार पिसर मरता है सामने आंखों के ये नूर नजर मरता है अब कोई दम में मेरा रश्क खमर मरता है मुँह से बाहर दबा तजना जिगर मरता मुँह से बाहर दबा तजना जिगर दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है शहर बानो तेरा घर हजरत किए पुरदर्द सदा मुस्तरिब हो गए नामू से रसूले दूसरा कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया फिजा फिजा दौड़ी स्वेदर भाई के सर पीटी जैनब मुस्तर निकल
जलाई बाह बानो घबरा के बानो घबरा के गुले के गांधे बजो देखाली अकबर को निढाल हाथ फैला के चिल्लाई के है मेरे लाल क्या गजब हो गया ए बादशाह ने खिसार राजाया न मेरे बच्चे को टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा है कौन कौन था जिसने मेरे को मारा है सुन के मादर की सदा खोल दिए दीदना हाथ उठाकर कहा रो न मेरे सर की कसम पास आकर हमें छाती से लगा लो इजाम रन से आए हैं तुम्हारी मुलाकात को रन से आए हैं तुम्हारी मुलाकात को फिर ये घर शाह के अखबार से देखा हमने पर तुम्हें आके जब पर तुम्हें आगे जवाब से बाल क्यों बिखरे हैं क्यों फेंक दी सर पर सरिदा नील क्यों सीने पर क्यों है गरेबान फटा खाक क्यों मुँह पर मली हो ये पिसर तुम पफिदा शाह दुनिया में सलामत रहे क्या क्या दुनिया में सलामत रहे लुट गई ये ना सुखन मुझसे निकालो अम्मा मैं तो जीता हूँ कलेजे को संभालो अम्मा मैं तो जीता हूँ कलेजे को संभालो अम्मा जख्मी होने की मेरे किसने खबर पहुंचाई झूठ है मैंने तो हरगिज नहीं बर्छी खाई आप तक बेटे को तकदीर सलामत लाई देखे हजरत के कदम तन में मेरी जाए देखे हजरत के कदम तन में मेरी जाए मर्ग से पहले हो मातम ये जबू है अम्मा मेरे कपड़ों पे तो अब्बास मेरे कपड़ों पे तो अब्बास मानो सदमे से ना मर जाइए डर है बेटा सब तेरे दिल की मेरे दिल को खबर है बेटा हाय सीना ये तेरा खून में तर है बेटा फिर ये क्या है जो नहीं जख्म जिगर है बेटा फिर ये क्या है जो नहीं जख्म सनसनाता है जिगर जान चली जाती है इस लहू से तो मेरे दूध की बो आती है इस लहू से तो मेरे दूध की बो आती है आरजू है के फले फूले मेरा नखल मुराद तुम दुल्हन ब्याह के लाओ मेरा घर हो आबाद देख लू आंखों से अपनी मैं तुम्हारी औलाद फिर मैं दुनिया से जो गुजरूं तो रहे फिर मैं दुनिया से जो गुजरूं तो रहे रूबिशा दादी कहलाऊंगी रुतबा मेरा बरतर होगा तेरा बर तेरा फर्जंद भी हम पैगंबर होगा आगी सुन के ये अकबर ने बसर रंजुमलाल
दर्द छाती में उठा गैर हुआ और बिहाल, दिल में ये सोच के रोने लगा वो ने खिसाल। हम सफर करते अम्मा को शादी का ख्याल, हम सफर करते अम्मा को शादी का ख्याल। बर में होएगा कफन खाक, चेहरा होगा ना दुल्हन होगी ना दुल्हन होगी ना लाल ना दुल्हन होगी ना लाल ना चेहरा होगा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب طبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه أبو ياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد خلاص لكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات اس آیت کے ذیل میں یہ پانچویں مجلس ہے خلاص لکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا کہہ دو ان پیغمبر ان لوگوں سے جو اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اہل بیت سے محبت کریں اہل بیت سے محبت نہ صرف ہم انسانوں نے کی ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کی پہلی مجلس میں میں نے بیان کیا تھا حضرت موسیٰ کا ذکر کہ حضرت موسیٰ نے اہل بیت سے محبت کی دوسری مجلس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت نوح نے اہل بیت سے محبت کی تیسری مجلس میں میں نے موت کا ذکر کیا کہ جو اہل بیت کی محبت رکھ کے مر جائے وہ شہید کی موت مرتا ہے
चौथी मजलिस में, कल की मजलिस में मैंने बयान किया था कि सलमान ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की और शम्स तबरेज ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की। आज की मजलिस में मैं जिक्र करूंगा कि हजरत इब्राहिम ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलावात भेजी सलाम जब दुनिया में आए और इब्राहिम पर जब जुल्म होने लगा, मिंजनीख में लिटाकर आग में फेंका गया नमरूद ने, मिंजनीख में लिटाकर हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया, आग गुलजार हो गई, आग ने सलाम किया, सलामुन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम आप पर मेरा सलाम हो। लोगों ने पूछा हजरत इब्राहिम से, आग गुलजार हो गई, इसकी वजह क्या है? तो आपने कहा अल्लाह ने मेरी पेशानी में नूर मोहम्मद और नूर अली को रखा है, जिसकी वजह से आग गुलजार हो गई। तो कैसी अहले बैत से मोहब्बत थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 80 साल की उम्र हो गई हजरत इब्राहिम की, औलाद नहीं थी। पहली जौजा हजरत सारा, दुआ की परवरदिगार मुझे औलाद चाहिए, मैं 80 बरस का हो गया, अभी तक मुझे औलाद नहीं है। आवाज आई है इब्राहिम तुम दूसरी शादी करो। हजरत इब्राहिम ने दूसरा अक्त किया, दूसरी शादी की हजरत हाजरा से। 85 साल की उम्र में हजरत सारा पहली जौजा को बेटा हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक से ईसा तक, हजरत ईसा तक सब नबी गुजरे, 30 नबियां गुजरे। हजरत हाजरा को 1 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इस्माइल जब 6 महीने के हुए, तो हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माइल दोनों को ले जाओ जहां काबा था, है, पहले काबा नहीं था, रेगिस्तान था, कुछ नहीं था, वहां पूरा रेगिस्तान था, कहा ले जाओ वहां छोड़ दो। हजरत इब्राहिम ले गए रेगिस्तान में, हजरत इस्माइल को हाजरा को छोड़ दिए। सात साल के बाद हजरत इब्राहिम आए। अब ये 7 साल में ये रेगिस्तान गुलिस्तान बन गया। कैसे कैसे बना? हजरत इस्माइल और हाजरा को जब हजरत इब्राहिम छोड़ के वापस गए, तो अब दोनों माँ और बेटे तन्हा हैं, सहरा है, कोई नहीं,
ना पानी है, ना खाना है, कुछ नहीं। हजरत इस्माइल प्यास से तड़पने लगे, एड़ियों को रगेड़ा, चश्मा जारी हुआ। सफा और मरवा के दरमियान हजरत हाजरा सात चक्कर लगाई। ये जितने भी हाजी सात चक्कर लगाते हैं, ये सुन्नत हाजरा है। और जैसे ही हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा, 6 महीने की उम्र थी, चश्मा जारी हुआ, पानी निकलने लगा, दूर से माँ ने देखा, कहा जम जम, आहिस्ता आहिस्ता। तो मालूम हुआ कि नबी की जौजा पानी पर हुकूमत करती है। तभी तो पानी से कहा जमजम आहिस्ता हो जा, जैसे ही कहा आहिस्ता हो जा, पानी आहिस्ता हो गया। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। जैसे ही कहा जमजम आहिस्ता आहिस्ता, तो पानी आहिस्ता हो गया। हजरत हाजरा आई, पानी को लिया, बेटे को पिलाया, आज तक आबे जमजम बाकी है। दुनिया के हर जगह लोग आबे जमजम ले जाते हैं। ये आबे जमजम हजरत इस्माइल ने जो एड़ियों को रगेड़ा था, जब से बाकी है, तो क़यामत तक अल्लाह ने आबे जमजम को बाकी रखा। वहाँ से पानी का चश्मा आज भी जारी। अब 7 साल के बाद जब हजरत इब्राहिम लौटे हैं, तो देखे नक्शा ही बदल गया। अब जहां पानी निकलने लगा, वहां चरिंद आने लगे, परिंद आने लगे, लोग आके बसने लगे, क्योंकि पानी निकल रहा है। और हजरत इब्राहिम आने के बाद देखा कि नक्शा ही बदल गया। कहा मेरी जौजा और मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने कहा आपकी जौजा और बेटा एक मकान बेहतरीन बनाए हुए हैं, उसके अंदर है। मकान भी बनने शुरू हो गए। हजरत इब्राहिम गए, अपनी जौजा से मिला और बेटे से मिला। जैसे ही मकान बनाया, अब आवाज आई, ए इब्राहिम, हमने अपने लिए मकान तो बनवा लिया, लेकिन इसका इंतजाम तुम्हें करना होगा। हजरत इब्राहिम काबे के मालिक, जाते थे और काबे के करीब खड़े होकर हजरत इब्राहिम दुआ करते थे। पहली दुआ हजरत इब्राहिम की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह तू मुझको मुसलमान बना दे। दूसरी दुआ हजरत इब्राहिम की, वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और मेरी औलाद में भी उम्मत मुस्लिमा, यानी ज़ुर्रियत में, औलाद में उम्मत मुस्लिमा करार दे। वो अरैना मनासिकना, ये कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, हमको हमारे हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इसमें कोई शक नहीं कि तू बड़ा रहम करने वाला है, बख्शने वाला है, मेहरबान है। पहली दुआ हजरत इब्राहिम की कबूल हुई कि हम तुमको मुसलमान बनाते हैं।
दूसरी दुआ कबूल हुई कि हम तुम्हारी औलाद में भी मुसलमान बनाएंगे। तीसरी दुआ कबूल हुई कि हम तुमको सिराते मुस्तकीम पर चलाएंगे। चौथी दुआ कबूल हुई कि हम तुम्हारी तौबा को कबूल करते हैं। अब दुआओं का सिलसिला हजरत इब्राहिम का आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते आवाज आई, इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, ए इब्राहिम हम तुमको इंसानों का इमाम बनाते हैं। तो इंसानों का इमाम बनने के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान हो, जुर्रियत में उम्मत मुसलमा हो, तौबा कबूल हो, खलील खुदा हो, नबी खुदा हो, तब जाके सिर्फ इंसानों का इमाम बनाया जाता है। और अल्लाह ने जिसे कायनात का इमाम बनाया हो उसकी शान यह है, कुल्ल शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन। सलावात भेजिए। इंसानों के इमाम ने काबे को बनाया, कायनात का इमाम उसमें आया। अल्लाह को मकान की क्या जरूरत है, वो तो अली के लिए बनवाया था, क्योंकि अली के नूर को काबे में आना था। गर्मी बाजारे दीने खुदा तुमसे, या अली ईमा की हक की बखा तुमसे। तुम ना अगर आते बुत ना कभी जाते, हक की कसम काबा काबा बना तुमसे। जंगे ओहद हो या मारे कहे खैबर, मेरे नबी का भी काम बना तुमसे। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले। जैसे ही हजरत इब्राहिम को इंसानों का इमाम बनाया गया, हज़्बे आदत, अल्लाह से मांगने की आदत थी हजरत इब्राहिम को, फरमाया वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी इमामत दे। आवाज आई, ला यनालो अहदी ज़ालिमीन, जो जालिम होगा वो इमामत के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया कि इमामत सिर्फ मजलूम के लिए है, जालिम के लिए नहीं है। और फिर दुआयात का सिलसिला चलते गया। जब हजरत इस्माइल 18 साल के हुए, हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा के बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। नींद से जागे हजरत इब्राहिम, बेटे से कहने लगे, इस्माइल से, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूं। तो बेटे ने कहा, बाबा नबी का ख्वाब सच्चा होता है, आप मुझे ज़िबा जरूर कीजिए। कहा, चलो बेटे, अल्लाह का हुक्म है तुम्हें ज़िबा करूं। रस्सी और छुरी को लिया, बेटे को साथ लिए चले मीना में ज़िबा करने के लिए। जब ज़िबा करने का वक्त आया तो बेटे ने कहा, बाबा जवान बेटे का मामला है, आपसे देखा नहीं जाएगा, आप आंखों पर कपड़ा बांध लीजिए। हजरत इब्राहिम ने आंखों पर कपड़ा बांधा, बेटे के गले पर छुरी को रखा,
ज़िबा करना चाहते थे, अल्लाह ने कहा बस बस खत सद्दक्तर रोया या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम बस बस तुम्हारा इम्तिहान हो गया, हमने इस कुर्बानी को ज़िबह अज़ीम से बदल दिया। बेटे को हजरत जिब्राइल ने निकाला, दुम्बे को पेश किया, दुम्बा ज़िबा हो गया। आज तक ईद खुरमा होती है, सारे मुसलमान बकरे को ज़िबा करते हैं, ये वाजिब है क़ुरबानी देना, सारे मुसलमान क़ुरबानी देते हैं, ये सुन्नत इब्राहिम है। इस्माईल बचे, दुम्बा ज़िबा हो गया, आवाज़ आई कि हमने इसको ज़िबह अज़ीम से बदल दिया है। वो ज़िबह अज़ीम कहाँ है? ऐ मदीने के इब्राहिम, जरा करबला के इब्राहिम को देखो, हाय मजलूम हुसैन, 18 साल के अली अकबर। अली अकबर जब आते हैं बाप की खिदमत में, कहते हैं बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। इमाम ने हसरत भरी निगाहों से अली अकबर को देखा, कहा अली अकबर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुझे मरने की इजाजत दूं? दुनिया में ज़ईफ बाप रह जाए और जवान बेटा चला जाए? मुख्तसर ये कि आज़ादारों इजाजत मिली, पुपी ने इजाजत दी, माँ ने इजाजत दी। अली अकबर रुख्सत हो के खैमे से बाहर आना चाहते थे, सैदानियां खैमे में खींच लेती थी। हमीद इब्ने मुस्लिम लिखता है कि 70 या 72 मर्तबा खैमे का पर्दा उठता था और गिरता था, ऐसे मालूम हो रहा था जैसे भरे घर से जनाजा जा रहा है। आखिर में जब अली अकबर खैमे से बाहर आए, इमाम हुसैन ने सरकार दो आलम की अबा उड़ाई, अमामा पहनाया, लिबास कुछ ऐसा मौजू नजर आया। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहा परवरदिगार उसे मरने के लिए भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में हम शबीह पैगंबर था। जब भी मुझे मेरे नाना की याद आती थी, मैं अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करता था। जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। अज़ादारों, अली अकबर चले, हुसैन खैमे से करीब खड़े हो के बेटे के जिहाद को देख रहे थे कि इमाम का चेहरा सुर्ख हुआ, फिज़ा दर खैमा से देख रही थी, दौड़ती हुई खैमे में आई, उम्मे लैला से कहा, बीबी ऐसे मालूम हो रहा है कि आपका बेटा घोड़े से गिर गया। अज़ादारों, माँ का दिल था, बेचैन हो गई, कहा जाओ फिज़ा, हुसैन को बुलाओ। फिज़ा ने आवाज़ दी, इमाम हुसैन खैमे में आए। उम्मे लैला ने पूछा, मौला मेरे बच्चे की खैर है? कहा हाँ खैर है, लेकिन एक बहुत बड़ा पहलवान मुकाबिल में आया है, जाओ लैला अपने बेटे के लिए दुआ करो। उम्मे लैला ने सर के बालों को बिखेर दिया, सैने खाना में बैठ गई, दुआ करने लगी, परवरदिगार जिस तरह से तूने इस्माईल को हाजरा से मिलाया, मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। Ha ha ha!
باتیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک معلوم ہو رہی ہے. اچھا جاؤ علی اکبر، ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے. علی اکبر چلے، امام حسین نے کہا لیلا اب علی اکبر کے حق میں دعا نہ کرنا. میں نے علی اکبر کو اللہ پر سے نثار کر دیا. تھوڑی دیر نہ گزری آواز آئی بابا میرا سلام آخر قبول کیجئے. حسین ٹھوکر پر ٹھوکر کھانے لگے، پکارنے لگے یا علی اے نہ انت یا علی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام آواز دے رہے تھے اے علی اکبر تم کہاں ہو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن بعض علماء لکھتے ہیں بیٹے سے مخاطبت نہیں تھی، بابا علی مرتضیٰ کو پکار رہے تھے، بابا یہ وقت آ گیا کہ جوان بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں. حسین گھوڑے کے سہارے سے بیٹے کے قریب پہنچے، زمین کربلا پر بیٹھ گئے. دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں، امام نے کہا علی اکبر کیا بات ہے کیوں تڑپ رہے ہو؟ کہا بابا ایک برچی میرے سینے میں ہے جو بہت ستا رہی ہے. علی نے حسین نے نجف کی طرف رخ کیا، یا علی کہہ کے برچی کے پھل پہ ہاتھ رکھا. ہاں امام دیکھتے رہے، بیٹے کا دم نکل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ پروردگار قیامت بن گیا
अब ये तेरा इंतजार, अब ये तेरा इंतजार। चलता है खंजर मेरे दिल पे रह रह कर, वादा था किया तुझको लेने आऊंगा, तुझको लेने आऊंगा। रात दिन आंखों में बस रहता है चेहरा तेरा, रहता है चेहरा तेरा। कब तू आखिर आएगा शबीए पैगंबर, चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना। बीमार है सुगरा, ऐ चांद मोहरम के तू बदले में चला जा, ऐ चांद मोहरम के तू बदले में चला जा। चांद मोहर्रम के तू बदले में चला जा, चांद मोहर्रम के तू बदले में चला जा, चांद मोहर्रम के तू बदले में चला जा। सहरा का लुटने की खबर तुमने सुनाई, तुझे देख के रोती है मोहर्रम में खुदाई। 1400 बरस बीते हैं, 1400 बरस बीते हैं, 1400 बरस बीते हैं, सब कहते हैं शिकवा। चांद मोहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मोहर्रम के तू बदली में चला जा। मिलने के लिए भाई को बेचैन पड़ी है, कब से अली अकबर की राहों में खड़ी है। बिछड़ी है ये मुद्दत से, बिछड़ी है ये मुद्दत से, बिछड़ी है ये मुद्दत से, इसे तू ना नजर आए। चांद मोहर्रम के तू बदले में चला जा, ऐ चांद मोहर्रम के तू बदले में चला जा। वीरान घरों में ना इसे नींद है आई, अकबर की जुदाई है इसे खूब रुलाती। खदमों के नशा ढाप के, खदमों के नशा ढाप के, खदमों के नशा ढाप के बैठी है सरला। चांद मोहर्रम के तू बदली में चला जा, पूछो ना हाल करबला, पूछो ना हाल करबला। अंजुमन शहीद अली असगर, यहाँ के बाद आगा टावर जाइए।